गर्ल्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लाहौर, तो आगे तक नहीं गए, अभी हम उतर गए हैं रायवंड, क्योंकि हमने जाना है बहरिया टाउन, वो है रायवंड के ज़्यादा क्लोज। अगर हम लाहौर चले जाते तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाना था। जो ये वाली ट्रेन है ये मेरे ख्याल में हमारी साइड को जाती है, और जो आती है वो हमें ले आई, जब हम जाएंगे तो फिर इस पर जाएंगे। और ये कौन सी है, पाक रेलवे। तो ये हमने अपना सामान ले लिया हमने का, क्योंकि हमने ट्रेन में तो बस उसके वॉशरूम का आप लोगों को पता ही है कि वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम होंगे। यहाँ क्या नीट होंगे वो देखो ना कितने ऐसे ऐसे अपने रहीमर खान में तो गाइज हम लोग तो कब से पहुंच चुके थे, हम हो रहे थे थोड़े बहुत फ्रेश, बाकी के फ्रेश फूफो के घर ही जाके हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल में कहाँ सही से फ्रेश हुआ जाता है। फिर भी थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत हो गए हैं, मुंह हाथ वाश कर लिया है, टीथ वगैरह साफ कर लिए, टीथ वाश कर लिए, यानी कि ब्रश कर लिए, हाँ जी, तो ज़ारा है, बाकी सब ऐसे हैं। अब हमने यहाँ से हमारा ये लास्ट सफ़र है, इसके बाद हमने अपनी मंजिल पे इंशाल्लाह पहुंच जाना है, और खैर खैरियत से। सबने दुआ की, स्पेशली मेरे फूफो ने बहुत दुआ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से लाहौर रायवंड पहुँच गए। सो गाइस यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं अंदर, और मैं वन बाय वन आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें दिखाऊँगी, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं, तो मैंने आते ही आप लोगों के लिए जो के है ना ब्लॉगिंग वो स्टार्ट कर दी है जी। और टीवी लाउंज का एरिया जो बताया जा रहा है वो अभी ये है, थोड़ा थोड़े करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम सब इधर उधर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं, मम्मा भी लेटी हैं। कर गाइस वो वाला घर भी कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, उसका डिजाइनिंग, उसका ना दरवाजा ज्यादा अच्छा है लुक वाइज। गाइस वहां से हमारी हो चुकी थी एंट्री, एंट्री होते ही हम कहाँ हैं ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम आए हैं बहरिया टाउन में, और यहाँ पे पापा जी शेफ अपना कुछ कमाल ही दिखाने लगेंगे। क्या चीज़ है, मलाई बोटी बना रहे हैं, मलाई बोटी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड आज वीडियो को लाइक शेयर ऐसे से कमेंट करना, आप लोगों ने नहीं बोला। सो फाइनली गाइस हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था, और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सो फॉलो मी, गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट नाश्ता स्टार्ट हो चुका है, जिसमें है पराठे और साथ में चने, चाय वगैरह, वो वन बाय वन सब मतलब लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले ज़ारा रेडी हो गई है, यहाँ पे मुझे भी अब हमने वहाँ ट्रैवल में खाया तो था, पर अब दोबारा से हमें भूख लगी, तो अभी से हमारा फिर समझें कि सेकेंड नाश्ता जो है कि वो हो रहा है। और आदिल भाई भी हैं हमारे साथ नाश्ते में, आदिल भाई भी हैं, तो अभी सबको भूख लगी है, तो मुझे टाइम नहीं दे रहा। गाइस यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं अंदर, और मैं वन बाय वन आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं, तो मैंने आते ही आप लोगों के लिए जो किया है ना ब्लॉगिंग वो स्टार्ट कर दी है। और यहाँ से भी टीवी लाउंज का एरिया है, हम अंदर जाते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से टीवी लाउंज है वो किस तरह का दिखाई देता है। सो ज़ारा चली गई है अंदर, और अब मैं भी जाती हूँ अंदर। अभी हम यहाँ पर इंटर हो गए हैं, उसके बाद हम सेकंड डोर को ओपन करेंगे, फिर इंटर होंगे। यहाँ पे अभी बैग्स वगैरह हमारे यहीं पे पड़े हैं, हमने सामान वगैरह अपना जो है ना, वो ऊपर गई है सारा के साथ छत देखने के लिए। और टीवी लाउंज का एरिया जो बताया जा रहा है वो अभी ये है, थोड़ा थोड़े करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम सब इधर उधर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं, मम्मा भी लेटी हैं, कर रही हैं रेस्ट। और जो के रूम जिसमें मैंने अपना भी सामान थोड़ा बहुत रखा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो रूम कुछ इस टाइप का है। ये
अभी मतलब पुप्पू के घर का काम शाम चल रहा है, इस वजह से सामान भी हमने ही आके बिखेरा है। मेरा जो बैग है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला रूम मैंने पुप्पू को कहा मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो इसमें मैं और आदिल भाई की फैमिली जो कि सो चुकी है। गाइज हमने कहा कि अब जो कि टाइम होता है लाहौर को घूमना यार, क्योंकि हम यहाँ पे घूमने भी तो आए हैं ना साथ साथ में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ हम वो हर चीज़ शेयर करें जो कि हम फर्स्ट टाइम, मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैं जो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अभी हम निकले हैं बाहर रोड पे, हमने कहा थोड़ा माहौल देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। क्यों पापा जी? जी बेटा ऐसे है ना, तो अभी हम सब पैदल पैदल चल रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत इधर का माहौल आप लोगों को दिखाएं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। गाइज वो वाला घर भी कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, उसके डिजाइनिंग, उसका ना दरवाजा ज्यादा अच्छा है लुक वाइज, है ना लुक वाइज उसका दरवाजा प्यारा है, ज्यादा अच्छा है। बाकी ऊपर का जो स्टाइल है वो इतना खास नहीं है, बस नीचे नीचे से ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा अपने वाला मॉल तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि चौक के पास होंगे अब हम आ गए हैं बाहर, आपको बाहर की लुक दिखाएंगे। पापा जी शेफ की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। ये देखो आइसक्रीम वालों की ना ये चलाकी होती है, पारा क्या क्या खड़े हो जाते हैं पता होता है, इधर बच्चों ने आना है इसलिए ना खड़े हो जाते हैं। गाइस वहाँ से हमारी हो चुकी थी एंट्री, एंट्री होते ही हम कहाँ हैं ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, हम आए हैं बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन एड्रेस तो फुल नहीं मैं बता सकती क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी होती हैं, और बहरिया टाउन का जो कि फर्स्ट वाला पार्क है ना मैंने कहा वो आपको दिखाऊँ। यहाँ पर हो रही है घर पर वीडियो कॉल जो कि एहतिशाम भाई कर रहे हैं, वो उदास हो गए हैं ना हमसे। सो आपके साथ ये वाला आज मैं सारा बहरिया टाउन का पार्क शेयर करूंगी, जो कि मैंने भी खुद वीडियोस में देखा था, अब मैं भी रियल में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे तक देखूंगी और अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। यार यहाँ की मुझे जो ख़ास बात और जो अच्छी चीज़ें लगी हैं ना वो ये कि यहाँ पे इतनी सफाई है, इतनी सफाई है कि अगर आप जूता नहीं भी पहनते ना, बिना जूते के भी चलते हैं तो भी आपको मसला नहीं है। अब यहाँ से देख लें कि किस तरह सफाई है, मतलब कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं मुझे कचरा एक्स्ट्रा नहीं नज़र आ रहा, एक्स्ट्रा क्या बल्कि है ही नहीं। हमारी फैमिली है वहाँ पर, रामिन रामिन अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, वालेकुम सलाम, हारिस वालेकुम सलाम, भागे जा रहे सब, बहुत खुश हैं और हमें भी गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाहौर बहरिया टाउन का विज़िट करते हुए। कभी मेरी नज़र से खुद को देख, क्या करी जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पापा जी शेफ की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। अच्छा बड़ा भाग, हम निकाह नहीं करा रहे आपका कबूल? नहीं निकाह की बात नहीं है, अपने व्यूअर्स अपने बहन भाइयों को बताना है कि हम तो बाहर निकले हैं घूमने फिरने के लिए, और रात के डिनर के लिए खाने के लिए हमने मलाई बोटी को मैरिनेशन मसाला लगा कर और रशियन सैलेड। यहाँ भी पापा जी शेफ अपना ही कमाल दिखाएंगे क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो लाइक किया जाता है वो पापा का खाना होता है, पापा जी शेफ का, तो हमने फूफो को भी बोला है, सब शेफ्स को भी बोल दिया कि आज आपकी छुट्टी है जस्ट हेल्प करवाना। और इस यहाँ पर ये किसकी है, किसकी है मम्मा? मेरी क्या बच्चे और मम्मा जी 500 में आता क्या? आप बहरिया टाउन में बैठी हुई है, ये भी तो देखो बच्चों को आइसक्रीम बनाया, और इधर देखो आरिस, होए 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 होए
ये सब रो रहे हैं इसलिए कि इनको आइसक्रीम नहीं मिलने वाले। खराब डॉक्टर ने इतना मना किया, पैसे पैसे लगा लगा के छमू लेने आ जा। अच्छा भूख लगी, मैं आइसक्रीम खा रही हूं। रामीन को दे दे, अगर देनी है रामीन को दे दे। यहाँ पे ऐसे कचरा फेंकना अलाउ नहीं है वैसे। पापा वो बैठ गया, थक गया। पापा काफी ज्यादा थक गए ना। और हमने कहा हम भी 2 मिनट बैठ जाते हैं, पापा को सांस ले ले। हमें सांस इतना जड़ा भी नहीं, बस पापा के लिए हम ज्यादा बैठे हैं कि पापा ये ना कहें कि बच्चे आगे आगे जा रहे हैं तो मुझसे चले हैं। जरा पापा के लिए बैठे, पापा वहाँ हमारे लिए बैठे हैं। यहाँ पे पापा जी शेफ अपना कुछ कमाल ही दिखाने लगेंगे। क्या चीज़ मलाई बोटी बना रहे हैं, मलाई बोटी। ग्रेट। और ये साइलेंट के लिए साथ में ये साइलेंट इन्हें रखो बेटा, बिल्कुल तो ये किचन में अभी काम शाम हो रहा है, पापा अपना साथ साथ काम कर रहे हैं, मम्मा फिर आ गई हैं अपनी जगह पे। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं दोबारा वापस घर। अभी हमने डिनर वगैरह करना है, कुछ चीज़ें और भी हैं। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कल का व्लॉग भी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। इतना ज़्यादा व्लॉग लंबा देखने का मुझे खुद नहीं मज़ा आता, तो आपको कैसे आ रहा होगा। इसलिए मैं कम अज़ कम 12-15 मिनट से ज़्यादा लंबा, मतलब बहुत लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो जो जो चीज़ें हैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा। या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।